वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉ आर्टिकल और आज हम बात करेंगे क्या पिता को पैतृक संपत्ति बेचने का अधिकार है और यदि है तो किन-किन परिस्थितियों में बेच सकता है, इसके बारे में जानेंगे। आपको बता दें कि पिता द्वारा पैतृक संपत्ति को वसीयत नहीं किया जा सकता है, वह सिर्फ सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अर्थात जो खुद से खरीदी हुई हो उसे ही वसीयत कर सकता है या बेच सकता है। तो ऐसे में कई बार सवाल यह उठता है कि यदि पिता पैतृक संपत्ति को बेच दे और खुद से दूसरी संपत्ति खरीद कर किसी एक बेटे या बेटी को वसीयत कर दे तो क्या होगा, क्या यह वैलिड होगा। इन सब बातों को डिटेल में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पिता पैतृक संपत्ति को कुछ परिस्थितियों में ही बेच सकता है, इसलिए यह कहना गलत होगा कि पैतृक संपत्ति को पिता द्वारा नहीं बेचा जा सकता, यह सिचुएशन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कब पैतृक संपत्ति को पिता द्वारा बेचा जा सकता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने प्रीतम सिंह बनाम केहर सिंह के मामले में फैसला देते हुए कहा कि पिता परिवार का कर्ज देने के लिए या अन्य कानूनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। चूँकि पिता परिवार का मुखिया होता है और परिवार के मुखिया को ऐसे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संपत्ति बेचने का अधिकार है, ऐसी परिस्थिति में उनके वारिसों द्वारा कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरी बात यह है कि यदि पिता को बेटे तथा बेटियों की सहमति होती है तो ज़मीन को बेचा जा सकता है, लेकिन बेटे या बेटियों में से कोई भी नाबालिग नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं किन परिस्थितियों में पिता द्वारा पैतृक संपत्ति को नहीं बेचा जा सकता। पिता द्वारा पैतृक संपत्ति को असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर नहीं बेचा जा सकता। हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंतर्गत पिता को सिर्फ सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार दिया गया है, न कि पैतृक संपत्ति को। अब बात करते हैं क्या था प्रीतम सिंह बनाम केहर सिंह का केस, आइए जानते हैं। लुधियाना के प्रीतम सिंह ने 1962 में अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी थी, जिसे पुत्र केहर सिंह ने अदालत में चुनौती दी। दलील दिया कि पैतृक जमीन को बिना बच्चों की सहमति के नहीं बेचा जा सकता, क्योंकि पैतृक संपत्ति में बच्चों का भी हिस्सा होता है। निचली अदालत ने इस मामले में फैसला पुत्र के पक्ष में सुनाया, जिसके बाद मामला अपील अदालत में गया, जहां निचली अदालत के फैसले को पलट दिया गया, क्योंकि सुनवाई में यह सामने आया कि परिवार के कर्ज को चुकाने के लिए ज़मीन बेची गई थी। उसके बाद मामला हाईकोर्ट गया, जिसे 2006 में हाईकोर्ट ने भी फैसले को बरकरार रखा। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने पुत्र के अपील को खारिज कर दिया और कहा कि यदि संपत्ति परिवार के कानूनी ज़रूरतों के लिए बेची गई हो तो संपत्ति के हिस्सेदार इसे अदालत में चुनौती नहीं दे सकते।